तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई बैटरी है या फिर इस टाइप की कोई मोबाइल की बैटरी है या फिर इस टाइप की कोई लिथियम आयन बैटरी है तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम सिंपल सा चार्जिंग सर्किट किस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और अपनी इस टाइप की किसी भी बैटरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो देखिए फ्रेंड इन बैटरी को चार्ज करने के लिए देखिए कि

तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है है कि इसकी कौन सी में प्लस सप्लाई मिल रही है और कौन सी पिन में हमें माइनस सप्लाई मिल रही है तो इसको चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे इस तरीके से पहले चार्जिंग लगाएंगे ये जानना बहुत ही जरूरी है तभी हम आगे का काम कर पाएंगे ये मैंने इसको चार लगा दिया अब उसके बाद हमें लेना है अपना मल्टीमीटर तो यहाँ पे ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम कहां पे सेट करेंगे डीसी 20 वोल्टेज पे हमें सेट करना है ये मैंने सेट कर दिया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इसके अंदर तो हमें पता नहीं है प्लस माइनस का तो यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से एक पिन को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दूसरे को यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें फाइव वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पे कोई भी माइनस का निशान नहीं आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाली जो पिन है ये हमारी प्लस की है ये वाली प्लस की है और ये वाली हमारी माइनस की है वही अगर हम इस प्रोब को उल्टा लगा देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज तब भी उतनी दिखाएगा तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखाएगा तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने उल्टी प्रोब लगा रखी है तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया प्लस माइनस का तो प्लस वाले को हम क्या करते हैं निशाने के तौर पे थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेते हैं तो ये हमारा प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये चीज आपको कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें लेना है एक डायोड और ये जो डायोड है इसका नंबर है आई एन चार हजार अब इस डायोड के अंदर देखिए क्या होता है सभी डायोड के अंदर ये चीजें होती है इस चीज को ध्यान से देखो डायोड के अंदर हमारा कैथोड और एनोड होता है तो ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये डायोड का कैथोड साइड यानी माइनस होता है और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये एनोड होता है यानी प्लस ठीक है तो ये डायोड का ब्लैक साइड हमारा प्लस होगा और सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होगा अब काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि सर आप डायोड को उल्टा बता रहे हो सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस होता है और ब्लैक वाली साइड हमारा माइनस होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको डायोड के बारे में बिल्कुल भी डाउट हो तो आप गूगल पे डायोड के बारे में सर्च कर सकते हो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको उल्टा बता रहा हूं या फिर आपकी जानकारी थोड़ी सी गलत है तो इस तरीके से डायोड के अंदर प्लस माइनस मैंने बता दिया अब हमें क्या करना है ये जो प्लस वाली पिन है ये जो प्लस वाली पिन है ये जो प्लस वाली पिन है इसको हमने मोड़ा है तो इसके अंदर डायोड का ये जो प्लस वाला साइड है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है ये यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है सोल्डरिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सोल्डरिंग कर लेता हूँ ये देखिए यहाँ पे मैंने डायोड को जोड़ लिया है ब्लैक वाली साइड से तो हमें क्या करना है ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हमें काट देना है इस साइड में ये डायोड की एक्स्ट्रा लेग को हम काट देंगे ये मैंने काट दी ये थोड़ी सी लेग बची हुई है तो इसको भी हम यहाँ से काट देंगे ये देखिए हमने यहाँ से इसको भी काट दिया अब उसके बाद हमें क्या करना है इसके साथ में हमें एक एलईडी भी लगानी है कि भाई जब हम इसको चार्ज करें तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है हमें पता कैसे चलेगा तो इसके लिए हमें क्या करना है एक डेढ़ वोल्टेज की एलईडी लेनी है ये देखिए इस टाइप की एलईडी होती है ये ज्यादातर जो हमारे चार्जर वगैरह लगे होते हैं की पैड मोबाइल में उसकी एलईडी होती है तो यहाँ पे जब हम नई एलईडी लेते हैं कभी भी मार्केट से छोटी बड़ी कोई भी तो उसके अंदर हमेशा एक लेग आपको बड़ी मिलेगी और एक लेग हमारी छोटी होती है तो इसके अंदर ये जो बड़ी वाली लेग होती है ये प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखना है अब ये एलईडी क्या है कि इसको अगर हम डायरेक्ट यहां पे लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम बनेगी कि ये एलईडी हमारी डेढ़ वोल्टेज की है और यहां से लगभग हमें फाइव वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है तो ये एलईडी हमारी खराब हो जाएगी तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस लेना है और ये हमारा वन के का रजिस्टेंस होता है और रजिस्टेंस के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता तो इसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं और किसी भी लेग पे लगा सकते हैं आपकी मर्जी आप माइनस वाली लेग के साथ में लगाओ या फिर

क्योंकि बाद में काफी सारे लोग कमेंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक्स्ट्रा लेग को काट दिया तो यहाँ पे ये यह हमारा रेजिस्टेंस लग गया एक लेग में अब हमें क्या करना है इसको लगाना है इस सर्किट के साथ में तो इस सर्किट के साथ में हमें कहाँ पे लगाना है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए इसको हम लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी का भी कनेक्शन कर लिया है और आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर कहाँ पे जोड़ी है इसको माइनस वाली लेग पे जोड़ा है और इसको प्लस वाली लेग पे जोड़ा है अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि भाई जब हमने ऐसे ही कनेक्शन कर दिए तो इस डायर को लगाने का फायदा क्या है वो मैं अभी आप आपको बताता हूँ फायदा क्या है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये बैटरी है इसके अंदर मैंने वायर जोड़ रखी है प्लस माइनस की तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे ये देखिए ये जो माइनस वाली वायर है यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे और जो प्लस वाली वायर है इसको देखिए मैं अभी आप आपको लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो डायोड है ये क्यों लगाया जाता है सर्किट में ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है प्लस वाली को नहीं जोड़ा क्यों नहीं जोड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी चार्जिंग पिन है भाई हमारा ये चार्जिंग सर्किट बन गया है तो यहाँ पे हम जब इसको चार्जिंग लगाएंगे ये देखिए यहाँ पे हम इसको चार्ज लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने चार्ज लगाया तो यहाँ पे ये यह एलईडी जल रही है ठीक है लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पॉइंट पे हमें प्लस की सप्लाई मिल रही है फिर हमने डायरेट क्यों लगाया काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है तो इसका कारण ये है फ्रेंड कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ से देखिए मैं चार्जिंग को निकाल देता हूँ अगर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी एलईडी है ये देखिए ये ग्लो करेगी ये देखिए इस तरीके से बैटरी की सप्लाई से ये ग्लो करेगी और ये हमेशा ग्लो करती रहेगी चार्जिंग लगाओगे तब भी जलेगी और जब आप चार्जिंग निकाल दोगे तब भी ये जलेगी तो ये एलईडी हमारी जले ना इसलिए यहाँ पे हमें डायोड को लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं अभी आपको वोल्टेज भी दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ एक बार पे मैंने बैटरी प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है और अभी आप देख सकते हो वायर हमारी बैटरी की जोड़ी हुई है तब भी ये एलईडी अब हमारी काम नहीं कर रही ये एलईडी अब कब काम करेगी जब इसको हम चार्जिंग लगाएंगे ये देखिए एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको चार्ज लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये एलईडी हमारी काम करेगी तो इस तरीके से फ्रेंड ये छोटा सा आप सर्किट बना सकते हो चार्जिंग सर्किट और इस तरह के सर्किट बना के आप इस टाइप की जो लिथियम आयन बैटरी है इसको भी चार्ज कर सकते हो इस टाइप की जो बैटरी आती है इसको भी चार्ज कर सकते हो इस टाइप की अगर आपके पास मोबाइल की बैटरी है तो इसको भी चार्ज कर सकते हो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस चार्जिंग सर्किट के बारे में कि ये जो चार्जिंग सर्किट है इसमें खर्चा कितना लगा है मान लो पांच रुपए का हमारे कनेक्टर हो गया एक रुपए का हमारा डायोड हो गया एक रुपए का रेजिस्टेंस हो गया और एक रुपए की हमारी एलईडी होगी तो टोटल आठ रुपए के अंदर ही ये हमारा सर्किट बन गया है तो इस टाइप का सर्किट को बना के हम इस टाइप की बैटरी को चार्ज तो कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भाई बैटरी कटआउट का को कोई भी सिस्टम नहीं होता यानी बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाती है अगर आप ज्यादा टाइम तक उसे चार्ज लगा के रखोगे तो आपकी बैटरी फूल के खराब भी हो सकती है तो इसलिए आप जब भी इस टाइप के चार्जिंग सर्किट का यूज करें तो आपको टाइम टेबल का कर खास करके ध्यान रखना है कि कितने देर तक हमें बैटरी को चार्ज करना है मैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ की अगर आपकी कोई लिथेमान बैटरी दो हजार की है और आपका जो चार्जर जो इसके साथ में आप चार्ज रहे हो। वो चार्जर अगर एक का है तो आपको 2000 बैटरी को दो घंटे तक चार्ज करना है दो घंटे से ज्यादा आपको चार्ज नहीं करना नहीं तो ये बैटरी हमारी हीट हो जाएगी या फूल के खराब भी हो सकती है वही बात इसके अंदर भी है जैसे कि इस टाइप के जो सेल होते हैं इसमें लिखा में होता है और ये जो इस टाइप के सेल होते हैं जैसे कि टू ए एच का है तो यहाँ पे 2000 हजार एम एच और ए एच सेम ही होते हैं तो ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है अगर 1000 हजार एम एच की बैटरी है तो आपको एक एम्पेयर के चार्जर से एक घंटे बैटरी को चार्ज करना है 2000 हजार एम एच की बैटरी है तो एक एमपेयर के चार्जर से आपको दो घंटे बैटरी को चार्ज करना है तो इस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट करके इस सर्किट से अपनी किसी भी बैटरी को चला सकते हो लंबे टाइम तक आपकी बैटरी चलेगी कभी खराब नहीं होगी जल्दी से लेकिन अगर आप ओवरचार्ज करोगे तो वही बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम